कटनी के तहसील बड़वारा क्षेत्र के विलायत कला के स्कूल बनवासी बाबू में छात्रा को स्कूल में स्कूल की बाउंड्री के अंदर लगभग 2 बजे सांप ने काट दिया, जिसके चलते आनन फानन में छात्रा को बड़वारा के स्वास्थ्य समुदाय केंद्र ले जाया गया, जहां से सिर्फ दंश की शिकार हुई छात्रा को कटनी के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ छात्रा की हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के समय में सर्प काटने की घटना आम बात है, लेकिन स्कूल की बाउंड्री के अंदर स्कूली छात्रा को सर्प का काटना स्कूल मैनेजमेंट और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखा जाए तो छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल भवन में संपूर्ण सुरक्षा के इंतजाम किया जाना आवश्यक है, लेकिन स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल परिसर में सुरक्षा न होने से बच्चों को सर्पदंश जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा। सर्प काट दिया था स्कूल को। कहाँ की घटना है? विलायत कला बापू वनवासी स्कूल। विलायत कला बापू वनवासी स्कूल के। तो उस समय वहाँ कोई नहीं था जहाँ सर्प काटा है? और लड़कियाँ बैठी थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपनी क्लास लग गई थी, अपनी बहन काजल से बताई थी कि मुझे कुछ काट दिया है। मैं उसे देखी नहीं थी, मुझे चक्कर आने लगा था जब मेरी बहन सर से जाके बताई थी। तो वहाँ पास में सामुदायिक केंद्र नहीं गए आप लोग? नहीं नहीं गए, डायरेक्ट यहीं आए हैं जी। तो वहाँ से इधर किसने भेजा आपको डायरेक्ट? वहाँ कट बड़वाड़ा गए थे, बड़वाड़ा से यहाँ कटनी रिफर किया। तो बड़वाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए होंगे ना? जी जी। वहाँ से यहाँ रेफर किया जी। कितने बजे की घटना है? 2:30 बजे की। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी चक्कर आ रहा है, हल्का चक्कर आ रहा है, हाथ पैर दर्द टाइप के रहे। क्या नाम है आपका? नाम कुमारी अर्चना चौधरी। अर्चना चौधरी। कौन सी क्लास में आप? 11वीं। क्या बाउंड्री वगैरह नहीं है क्या स्कूल में? बाउंड्री वगैरह है, बाउंड्री है। तो आप लोग बाहर थे क्या बाउंड्री के अंदर? नहीं, अंदर थे, वहाँ फूल लगे हुए हैं, वहीं के पास बैठे हुए थे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।